हेलो फ्रेंड्स आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए ए ऑन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेकर के आई हूँ एंड आई होप आपको ये निबंध पसंद आएगा वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आइए देखते हैं ए ऑन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसे पैराग्राफ में लिख सकते हैं बट अगर आपको इसे डीपली uh, ऐसे uh, लिखने को दिया जाए जैसे कि फाइव हंड्रेड वर्ड या वन थाउजेंड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं बड़ा ऐसे भी इस पर आपको दे सकती हूँ ये मेरे हिसाब से वन फिफ्टी वर्ड्स का ए से है शॉर्ट ऐसे है तो आपको 10 लाइंस भी इसमें से मिल जाएंगे फाइव लाइंस भी मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं The Communist Party of India CPI is the oldest community party in India. The CPI was founded in modern day Kanpur on 26 December 1925. The party supported socialist ideas like common ownership and equal distribution of wealth. In the beginning, the Communist Party of India cooperated with the Congress, but differences soon emerged. The CPI believed in violent uh, revolution, while the Congress wanted non violent protest. The CPI accused the Congress of compromising with the British. इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की आ, अगर आपको डीप चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं डीपली वीडियो इस पर ले आऊँगी आगे देखते हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सपोर्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट द पार्टी ऑल्सो जॉइन द लेफ्ट अदर लेफ्ट ग्रुप टू फॉर्म द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट इन केरला इन नाइनटीन फिफ्टी सेवन After independence, the Communist Party of India focused on labour rights and reforms and opposing economic reforms. The party could not gain major electoral success at the national level, but it formed many governments in states like Kerala and Bengal with other leftist parties. So, friends, thank you and uh, do subscribe my channel. Thanks.